Hello friends, I am Abha and you are watching Digital Kaksha. Today we will discuss the language portion of the chapter. First question is, look at the following sentences from the story. Kuch sentences diye gaye hain jinko hume dekhna hoga. Suddenly a strong wind began to blow and along with the rain, very large hailstones began to fall. अचानक हवा तेज बहने लगी और उसके साथ हेल स्टोन्स गिरने लगे. हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस. हेल स्टोन्स क्या होते हैं? बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं. डैट फॉल लाइक रेन, जो रेन की तरह गिरते हैं. अ स्टॉर्म इन विच हेल स्टोन्स फॉल्स इज अ हेल स्टॉर्म. और ऐसा स्टॉर्म, ऐसा तूफान जिसमें हेल स्टोन गिरते हैं उसको हम हेल स्टॉर्म बोलते हैं. यू नो डैट अ स्टॉर्म इज बैड वेदर विद स्ट्रॉन्ग विंड्स. स्टॉर्म क्या होता है? बेसिकली एक खराब मौसम होता है जिसमें बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं. रेन होती है, थंडर होता है और लाइटनिंग होती है. दीज आर डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ये अलग अलग नाम हैं और वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से बुलाए जाते हैं. डिपेंडिंग ऑफ दियर नेचर, जिस तरीके का उनका नेचर होता है. कैन यू मैच द नेम्स इन द बॉक्स? क्या ये जो बॉक्स में नेम लिखे हैं आप इसको मैच कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन? और देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आपको क्या दिए गए हैं? ये सब आपको डिस्क्रिप्शंस दिए गए हैं कि आपको हिंट दे दिया गया और इन हिंट्स के अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना है. अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म इन विच स्ट्रॉन्ग विंड मूव इन अ सर्किल. सर्किल में मूव करती है विंड तो उसको क्या बोलते हैं? साइक्लोन. एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा जब चलती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? गेल. तो फर्स्ट और सेकेंड आप लोगों को क्लियर हो गया. थर्ड देखिए क्या लिखा हुआ है. अ वायलेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड. जब ट्रॉपिकल स्टॉर्म आता है तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं टाइफून. और नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है. अ वायलेंट स्टॉर्म हू सेंटर इज अ क्लाउड इन द शेप ऑफ फनल. यानी कि एक ऐसा स्टॉर्म जिसका जो सेंटर हो वो क्लाउड हो और उसका शेप कैसा हो? फनल की तरीके हो. उसको हम क्या बोलते हैं? टॉर्नेडो. एंड फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है. फिफ्थ लिखा है अ वायलेंट स्टॉर्म विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड स्पेशली इन द वेस्टर्न अटलांटिक ओशियन. यानी कि जब स्टॉर्म वेस्टर्न अटलांटिक ओशियंस में आते हैं, ओशन में आता है, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं हुरिकेन. और जो सिक्स्थ और लास्ट क्वेश्चन है, वेरी स्ट्रॉन्ग विंड डैट मूव्स वेरी फास्ट इन स्पिनिंग मूवमेंट. स्पिनिंग मूवमेंट में जब विंड मूव करती है और बहुत डैमेज करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विरल विंड. विरल मतलब घूमना. तो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज. क्वेश्चन नंबर टू, नोटिस हाउ द वर्ड होप इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी. यानी कि स्टोरी में इन सेंटेंसेस में होप वर्ड किस तरीके से यूज किया गया है, हमको ये देखना है. तो सेंटेंसेस क्या है? पहला सेंटेंस है आई होप इट. इट किसके लिए? द हेल स्टॉर्म पासेस क्विकली. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी बीत जाए. और सेकेंड सेंटेंस में देयर वॉज अ सिंगल होप. देखिए यानी कि पहले सेंटेंस में क्या है? ये वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में नाउन. इन फर्स्ट एग्जाम्पल होप इज वर्ब एंड इन सेकेंड एग्जाम्पल होप इज नाउन, विच मीन्स अ चांस फॉर समथिंग टू हैपन. मतलब किसी चीज के होने के चांसेस होना. तो मैच द सेंटेंसेस इन कॉलम ए विद द मीनिंग ऑफ होप इन कॉलम बी. तो आपको जो ए पोर्शन है उसमें जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उनको कॉलम बी में जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें जो होप की मीनिंग है उनसे मैच करना है. तो मान लिया ये ए है, ये बी है, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ. तो पहला क्या लिखा है? विल यू गेट द सब्जेक्ट यू वॉन्ट टू स्टडी इन कॉलेज. क्या तुम्हें वही सब्जेक्ट मिल जाएंगे जो तुम पढ़ना चाहते हो? आई होप सो. तो वॉट इज दिस शोइंग? ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है बी वाला. थिंकिंग दैट दिस वुड हैपन, ऐसा सोचा जा रहा है कि ऐसा हो सकता है. सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले में क्या लिखा है? आई होप यू डोंट माइंड माई सेइंग दिस बट आई डोंट लाइक द वे यू आर आर्गुइंग. आपको मेरे ये कहने का बुरा नहीं लगेगा ऐसा मैं आशा करता हूँ, लेकिन आप जिस तरीके से मुझसे आर्ग्यू कर रहे थे वो मुझे अच्छा नहीं लगा. तो कौन सा मीनिंग इसमें छिपा है? देखिए ई वाला. शोइंग द कंसर्न दैट वॉट यू से
शुड नॉट ऑफेंड और डिस्टर्ब द अदर. मतलब क्या कंसर्न दिख रहा है कि जो आपने कहा उससे किसी और को कोई भी कंसर्न या डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए. तीसरा देखिए, दिस डिस्कवरी विल गिव न्यू होप टू HIV AIDS सफरर्स. यानी कि ये जो डिस्कवरी है, जब ये हो जाएगी तो इससे जो पेशेंट्स हैं उनको थोड़ी सी एड मिलेगी, हेल्प मिलेगी. तो ये कौन सी फीलिंग शो कर रहा है? ए वाली, अ फीलिंग डैट समथिंग गुड विल बी हैपन. एक ऐसी फीलिंग कि कुछ अच्छा होने वाला है. फिर फोर्थ वाला देखिए, वी वर होपिंग अगेंस्ट होप डैट द जज वुड नोटिस आर मिस्टेक्स. मैं हम ऐसी आशा कर रहे हैं कि जज हमारी गलतियाँ नोटिस कर लेंगे. तो विशिंग फॉर समथिंग टू हैपन ऑल दो दिस इज़ वेरी अनलाइकली. वो उम्मीद तो कर रहे हैं पर उनको पता है कि ऐसा होने नहीं वाला. तो जो इम्पॉसिबल है उसको लेके होप करना. आई कॉल्ड अर्ली इन द होप ऑफ द स्पीकिंग टू हर बिफोर शी वेंट टू स्कूल. मैंने बहुत सुबह कॉल करी ताकि मैं उससे बात कर पाऊँ. इतनी सुबह कॉल करी उसके स्कूल जाने से पहले. लेकिन तो ये क्या सेंस दे रहा है? ये सेंस दे रहा है आपका ये डी वाला, वॉन्टिंग समथिंग टू हैपन. किस लिए कॉल करी? बात करने के लिए. एंड थिंकिंग इट क्वाइट पॉसिबल. और इसलिए सुबह करी क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो उस समय पॉसिबल होगा. सिक्स क्वेश्चन, जस्ट व्हेन एवरीबडी हैड गिवन अप होप, उसी समय जब सबने उम्मीद छोड़ दी थी, द फिशरमैन केम बैक 7 days आफ्टर द साइक्लोन. 7 days जब हो गए साइक्लोन के आए तो फिशरमैन लौट के आ गया. तो ये कौन सा आपका फीलिंग शो कर रहा है? थर्ड वाली, सी वाली. स्टॉप बिलीविंग दैट दिस गुड थिंग वुड हैपन. सबने ये सोचना ही छोड़ दिया था कि ऐसा भी हो सकता है. थर्ड, रिलेटिव क्लॉज. लुक एट दीज सेंटेंसेस. ये सेंटेंसेस देखिए, ऑल मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली लुकड एट द स्काई. तो पूरी सुबह जो लेंचो था, जो अपनी फील्ड्स को जानता था, हु देखिए यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया गया, किसकी स्पेशलिटी किससे कनेक्ट कर रहा है? लेंचो से कनेक्ट कर रहा है. वो स्काई की तरफ देखता रहा. द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग द सपर. यहाँ पे भी देखिए हु क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है किससे? वुमेन से. रिप्लाइड यस गॉट स्विलिंग. द इटैलिसाइज्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिव्स अस मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट लेंचो एंड द वुमेन. क्यों? क्योंकि ये लेंचो और वुमेन के बारे में एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं. नोटिस डैट दे बिगिन विद अ रिलेटिव प्रोनाउन हु. अदर कॉमन रिलेटिव प्रोनाउन जस्ट लाइक हुम, हुज एंड विच. और यू कैन से WH कैटेगरी. ठीक है, द रिलेटिव क्लॉज इन ए एंड बी अबव आर नॉन डिफाइनिंग बिकॉज वी ऑलरेडी नो द आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन दे डिस्क्राइब. वो नॉन डिफाइनिंग है. क्यों? क्योंकि हम लेंचो को भी जानते हैं और उस वुमेन को भी जानते हैं. वी डोंट, लेंचो इज अ पर्टिकुलर पर्सन एंड देर इज अ पर्टिकुलर वुमेन ही स्पीक्स टू. और वो एक पर्टिकुलर पर्सन है पूरे चैप्टर में और एक ही पर्टिकुलर वुमेन है पूरे चैप्टर में जिसके बारे में बात होती है. तो ये दोनों डेफिनेट हैं. वी डोंट नीड द इंफॉर्मेशन इन द रिलेटिव क्लॉज टू पिक दीज पीपल आउट फ्रॉम द लार्जर सेट. हमें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए रिलेटिव नाउन से कलेक्ट कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि एक ही कैरेक्टर है इसमें जिसका नाम है लेंचो और जो वुमेन के बारे में बात हो रही है वो उसकी वाइफ है. अ नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज यूजली हैज़ अ कॉमा इन फ्रंट ऑफ इट. तो जो भी नॉन डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेज होते हैं उसमें हम कॉमा लगा देते हैं या फिर एक डैश यूज़ कर लेते हैं, हु विच या हुम यूज़ करने की जगह. इफ़ द रिलेटिव क्लॉज कम्स एट द एंड वी जस्ट पुट अ फुल स्टॉप. यानी अगर रिलेटिव नाउन कभी सबसे लास्ट में आ जाता है सेंटेंस के तो सिर्फ हम फुल स्टॉप वहाँ पर लगा देते हैं. अब एक्सरसाइज देखते हैं. जॉइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग हु, हुम, हुज, विच एज सजेस्टेड. यानी इन सेंटेंसेस को हमें ज्वाइन करना है जैसा हमको ब्रैकेट्स में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग. तो पहला क्या है? आई ऑफन गो टू मुंबई. मैं अक्सर मुंबई जाता हूँ. मुंबई इज़ द कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर क्या करेंगे? I often go to Mumbai, which is, यहाँ पे क्या आ जाएगा? Which is the commercial capital of India.
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है, माई मदर इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग. मेरी माँ एक शो होस्ट करने जा रही है जो कुकिंग पे बेस्ड है. शी कुक्स वेरी वेल. तो हु आया, हु पर्सन के लिए आएगा ना. माई मदर हु इज वेरी वेल इन, हु इज वेरी वेल इन कुकिंग इज गोइंग टू होस्ट अ टीवी शो ऑन कुकिंग. थर्ड इज, दीज स्पोर्ट पर्सन्स आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट. ये स्पोर्ट पर्सन्स प्रेसिडेंट से मिलने जा रहे हैं. देयर परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट. इनकी परफॉर्मेंस क्या थी? एक्सीलेंट थी. तो दीज स्पोर्ट्स पर्सन हुज परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सीलेंट आर गोइंग टू मीट द प्रेसिडेंट. लेंचो प्रेड टू गॉड, हिज आइज सीज इन टू आर माइंड. यानी कि लेंचो ने भगवान से प्रार्थना करी और उसकी जो आईज थी, हिज आईज सीज इन टू आर माइंड, मतलब किसकी? गॉड की आंखें. गॉड हमारे मन में क्या है उसको भी समझ सकते हैं. तो लेंचो प्रेड टू गॉड हुज आईज सी इन टू आर माइंड, जिसकी आंखें हमारे दिमाग में क्या है वो भी पढ़ लेती हैं. दिस मैन चीटेड मी, आई ट्रस्टेड हिम. तो विच मैन? दिस मैन चीटेड मी, whom I trusted. तो किस आदमी ने मुझे धोखा दिया? जिस पर मैंने ट्रस्ट किया. Sometimes the relative pronoun in a relative clause remains hidden. कभी कभी ये relative pronoun hidden भी होते हैं. यानी कि आप WH words नहीं use करते उनके लिए. जैसे अभी मैंने ऊपर बताया था, अगर non-definite pronoun है तो non-definite आपका रिलेटिव क्लॉज है तो वहाँ पे हम सीधे डैश या क्वामा यूज़ कर सकते हैं. तो उसके एग्जांपल्स बुक से दिए गए हैं. द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. तो द हाउस विच इज द ओनली वन, जो अकेला था इन द एंटायर वैली. विच सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. और वो जो हाउस था वो कहाँ पे था? एक नीची सी पहाड़ी के ऊपर था. अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? द हाउस विच वॉज द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल. तो यहाँ पे विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो मिसिंग है, वो हिडन है. मिसिंग नहीं, हिडन है. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड वी विल डिस्कस द रेस्ट टू एक्सरसाइजेस इन आवर नेक्स्ट सेशन. अंटिल देन स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड प्लीज लेट मी नो इन कॉमेंट्स if you find this video useful. Thank you.